ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਵਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਿਊ ਐਂਡ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸ਼ੋਅ ਚਾਹ ਤੇ ਚਰਚਾ ਅ ਸ਼ੋਅ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਪੌਂਸਰਸ ਐਂਡ ਟੁਡੇ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਰੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਗੈਸਟ ਵਿਦ ਅਸ ਗੈਸ ਵਾਟ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ So we have Mr. Ojaswi Sharma ji on board with us. Where is the board? Board is behind you, sir. आपने actually देखा नहीं होगा. वो सामने बैठ के ना मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है. अच्छा भी लग रहा होगा ना? नहीं बहुत अच्छा लग रहा है. थोड़े से मैं क्या चलता है हमारा. And how do you feel? I mean, sitting in front of me, आप interview दे रहे हो आज ले नहीं रहे. नहीं बहुत अच्छा लग रहा है. In fact, मैं खुद भी सुबह से मुझे पता लगा कि ये शो जब हो रहा है कंसीव जो टीम ने कंसीव किया था तो मुझे भी थोड़ा नर्वस हुआ. मुझे लग रहा था कि ये मेरा इंटरोगेशन इंटरव्यू ज्यादा होने वाला है. अच्छा आप नर्वस भी होते हैं? होता हूँ. आई थॉट कि आप शायद करते ही हैं सर. नहीं नर्वस तो मैं बहुत करता हूँ लोगों को. आजकल लोग ज्यादा होने लग गए. मैं एक्चुअली अपनी लिस्ट पढ़ लेना क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल जाना क्वेश्चंस ना. And how is the privilege by getting interviewed from Mr. Kamalpreet Singh? Oh, it's a privilege. The word privilege in English, you know, it's a privilege, you know, seems so classy. Classy, yeah. Nee, but honestly, बहुत अच्छा लग रहा है. लोगों ने देखा ही हमें बातचीत करते हुए, but I think on camera पहली बार देखा. पहली बार देखा, exactly. Right. So, मैं पहले पानी पी लूँ? Please, sir, आप कॉफी पीजिए. कॉफी ठंडी ना हो जाएगी थे तो शुरू करिए पहले क्वेश्चन तो फिर अपना अच्छा कौड़ी होगी ना कॉफी हाँ मीठा कट पाया एक्चुअली सो व्हाट इज द इमेज दैट पीपल नो अबाउट ओजस्वी शर्मा I don't know. You tell me what people know about me. See, people have very mixed and very different images regarding you. पहले आप अपने नाम के spelling बताओ यार बड़ी confusion है. मतलब कभी आप double J लगा देते हो, कभी आप double W लगा देते हो. क्या exact spelling है क्या? नहीं, it's O J A S दो बार W दो बार E O J S P. अच्छा और ये दो बार W और दो बार E का क्या फंडा है? अच्छा, okay. जैसे आपकी बातों में ज्यादा मिठास है वैसे हमारे नाम में ज्यादा W और ज्यादा E है. मतलब W डबल लगा के आप डबल फन क्रिएट कर देते हो अपने नाम में. जैसा आप दर्शकों को बता बट अच्छा जी तो आपकी जो इमेज है वो लोगों के सामने कैसी है? वही तो मैंने पूछा. मेरे हिसाब से तो इमेज बहुत अच्छी है आपकी. लोग बहुत प्रेज करते हैं पीपल एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिहड़ी तारीफ होंदी है वो पिट्ठ दे पिछे होंदी है. तो आपके पीठ के पीछे काफ़ी लोग आपकी सराहना करते हैं. पीपल अप्रिशिएट यू फॉर व्हाटएवर यू हैव डन व्हाटएवर यू आर डूइंग एंड व्हाटएवर यू विल बी डूइंग. सो आई फील वेरी ग्लैड एंड वेरी हैप्पी अबाउट इट. एज फार एज यू नो आई सी माई सेल्फ इन द आईज ऑफ पीपल I don't know. I am always happy to meet them, and they are always very happy to meet me. And with some people we end up working together, with some people we don't end up working together. But I always believe ki thoda what has grown over the years is relationships. So when even if they are fruitful relations or they are unfruitful relations, but if they are respectful and cordial relations, they always go a long way. So that exactly. is how I see. Okay, how do matlab I think I feel that answers your question. Right. Sir, how do you manage to handle such creativity? Because we've been seeing your project since long. Like, I personally know you since very long. Your first film was I Quit, and you was the actor in that film. So, how was the journey, like, from an actor to a director, the transformations, the hurdles, the problems? How was the journey? See, initially when I started with I Quit, ऐसे कोई actor from a director नहीं. My intention was always to make films. And so पहली film में दिक्कत ये हुई कि जब कहानी लिखी थी तो कोई actor मिल ही नहीं रहे थे.
तो आपने खुद को गाज कर लिया. सो आई एंडेड अप डूइंग इट बिकॉज़ आई हैड सर्टेन डेडलाइंस फॉर फिल्म फेस्टिवल्स कमिंग अप. सो आई डिड दैट फिल्म एंड आई थिंक आई क्विट वाज द ओनली फिल्म एंड आई थिंक देयर वाज वन फिल्म देयर आफ्टर व्हिच आई वुड नेम हियर. टू ऑफ द फिल्म्स आई एंडेड अप डूइंग इट मायसेल्फ बट देन नेवर आई डिड अ फिल्म on my own. Matlab, as an actor, I didn't do a film. You like to see yourself on the camera as an actor or you love, working behind the camera all the time? No, I actually, mujhe pura process hi bada exciting lagta hai. If you talk about it, as a, during the whole course of the journey, we have experienced, every aspect of it, whether it be the sound designing, whether it be cinematography, whether it be editing, whether it be any aspect, whether it be the art direction, whether it be the set designing, or whether you talk about any nitty-gritties of how manpower is being handled on locations, on set, and challenges during pre-production, post-production, everywhere. So during the whole course variedly working on different kinds of filmmaking process. So apni cheeze sari seekhni ab mujhe nahi pata ki perhaps because I have a grip on acting, if you would say so, I'm able to take my actors into that zone so that you have to really narrate them on how you have to get things done from them. So wo cheez main kafi had tak mujhe lagta hai ki I am very comfortable in doing. As far as seeing myself on camera, I don't know if any of my friends are directing a film or if they see as one of them. I would definitely look out to the offer that they are giving me in terms of role. So I will particularly go on what the character or am I going to do justice to the role. It's just not about having me as a part of their films or as a part of being an actor, but ki main usme kitna justice kar paunga aur mujhe lagta hai main kar dunga, so I would happily do that. So if I feel ki agar koi dost acha koi film bana raha hai, वैसे आपका film बना रहा है बहुत जल्दी बनाएंगे जी, मतलब बहुत जल्दी झट चट मंगनी और पटवा वाली फिल्म बना देंगे हम. हां, मुझे लग रहा है, I would like to tell the audience through this show कि कमलप्रीत बहुत जल्दी फिल्म बनाएंगे और मुझे लग रहा है उसकी हीट भी मुझे रखनी पड़ेगी. पर मुझे I still have a question. You are very spontaneous, you are very creative. आती कहाँ से है ये creativity? कहाँ से लेके आते हो? पता नहीं कितनी दफा आप ये सवाल पूछ चुके हैं, लोग भी मुझे पूछते रहते हैं. आई डोंट नो, एक में भी शायद सिक्स सेंस होगी या मे बी सोसाइटल ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि अभी तक जितनी फिल्म्स बनाई हैं लोग मुझे पूछते हैं कि आप रोमांटिक कब बना रहे हो, आप कोई भी जॉनर नया कब टच कर रहे हो. तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन से आती हैं, क्रिएटिविटी क्या है, जस्ट ट्राई एडिंग सम एलिमेंट ऑफ थॉट और मे बी सम एलिमेंट ऑफ फन इनटू थिंग्स दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. सो कोई दूसरे ग्रह में तो मैं रहता नहीं. Yes. मैं भी यहीं रहता हूँ. तो आई थिंक मेरे पास ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं और उनको इंटरप्रेट करने की कैपेबिलिटीज होंगी, तो मे भी शायद वो दिखता होगा काम में. सो हाउ डू यू हाउ डीप यू गो इन द आइडियाज, यू प्लान एंड राइट आइडियाज और यू जस्ट कम अप द आइडियाज विद लाइक इन अ वेरी सेकेंडर वे की अच्छा आ गया, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. सो इट्स अ प्लान्ड एक्टिविटी और अ रैंडम एक्टिविटी? इफ आई से इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ. You have things which are planned, but execution, some part of the execution part is spontaneous. Maybe I've written certain thing in some way and you end up being at a location, So you might discover an element or just a trick or something from the mood of the day might click. So that adds to it, I think going too spontaneous kills the structuring. Right. Film needs to be structured, it needs to have definite boxing. Too much spontaneity, I think, doesn't happen. It happens only once you are counter questioned or maybe grilled. That ways you can take it. But otherwise, I feel you need to have some planning and structuring all throughout. For example, if you got an idea and if you have like 100 rupees to execute that idea, that idea will take 200 rupees, so you will wait for that next 100 rupees or you will just start with the idea and ki money will come because I've started? That's a tricky one. In a lot of the cases till now I would have gone with it. I wait for the right kind of things to happen till the certain time. If they don't, but I don't want to dilute the idea by doing it in a very cramped up situation. Because oh kehnde na jithe cha utthe raah, te je cha hogi te raah ta aap pe bani jauga. Haan, matlab if I have to travel by flight, if you take it that way,
and I don't have money to travel by flight, so I can't wait the fare price. Exactly, you can travel by train or you can. So I'll take some other route, maybe to do the same thing. So you know, maybe you can take a scooter and leave. Second option. So you know, it depends, you know, on quality of the film you're making, and certain things require certain cost, so certain time also both. So time and cost both matter at the same time. But you take the chance. You don't wait. Ki acha, if I do not have the money, I've been taking chances. Yeah, throughout. Right. When people approach you for work, how do you react? What do you mean by how do I react? No, matlab, how should I react when people approach me? How do you react? What is your, like, you react in a very acceptance way, you like it or you do not like, you want to approach people. What is the first impression that comes in your mind? When people come to me. They come to me with vague ideas, unclear thoughts largely, because they just want to, they are too fascinated by films basically. So they don't have clear thoughts, you know, what they want to make and how they want things. Like people are very much clear about other things, you know, they want to get married, you know, or maybe like do a pandal wedding or do a certain kind of an example, right? But they very clearly defined itne mein karna hai, itne din mein karna hai. That is why then it costs, the project costs. So certainly film is also like a complete project. So when people are not really clearly defined on what they want, so that is the end. I end up listening to everyone. Almost people who are narrating me with stories, and you know, a lot of people, like a lot of young boys and girls, they come to me and they ask, you know, they want to work with me. A lot of investors also do come, a lot of clients also do come, a lot of random people also come, they want to get, you know, part of the filmmaking process. So they're not really clearly defined on what they want. So, you know, a lot of time goes in, you know, explaining them how it actually works. Some people, after knowing how it actually works, either back off or either, you know, they are still fascinated, and few certain ahead want to go ahead with it, so we end up working together. And what is the take on the project execution? For example, someone has approached you for a work or for a project. Sir, I want to make this project. So you just, you know, take the money and do it, or you involve yourself thoroughly? Like, if you know your name is being used, like the project is being directed by Yashvi Sharma, so wo kuch gadbad na ho jaye, hera feri na ho jaye. Your supervision is always there in the project, or, yes, or you can just throw the thing into your assistants, just make it, and you know, everything that I sign up is everything my responsibility. So I end up doing it fully by myself, you know? Whether it's a small project or a big project, you are always there. Every project is a big project, you know. There's nothing called small as in if you're working in a I was talking about the duration, like if you're working on a small duration film or a long duration film. I think responsibility changes. The thought involved is almost similar, you know. In a longer project, you end up working for a longer duration of time as well. So whether it's being you do complete a project within a week's time, or whether it is for, you know, a month's time, whether it's a feature film or a documentary big film, you know, which involves a lot of research and everything. So we end up spending a lot of time and responsibilities accordingly. So I try to, you know, focus on everything that comes my way. Though it's a non-sponsor show, but still break to leni banti hai. We'll see you in a bit. Okay, action. And we are back. So, abhi tak to koi sponsor mila nahi hai, but we hope ki bahut jaldi mil jayega. So, sir, we are back. Nowadays, how do you feel as a director now turned into an award-winning director? Yeah, it feels the same. I feel responsibilities badh gayi hain. क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है. हम लोग फोन करके पूछते हैं कि आपकी अगली फिल्म कहाँ जा रही है, आप कहाँ जा रहे हो. तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा ज़्यादा एम्फोसिस करना पड़ता है कंटेंट के ऊपर, सिलेक्शन के ऊपर. तो थिंग्स हैव बिकम अ मोर लॉट मोर क्रिटिकल. तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, अब संभल के चलना पड़ रहा है. मतलब पहले आप कम संभल के चलते थे, अब वो कहते हैं ना, पैर सोच सोच के रखना पड़ेगा भाई, कितने रखिए. वही बात है, जो एक बार मेडल जीत ले ओलंपिक्स में गोल्ड, अगली बार उससे गोल्ड की उम्मीद ही होती है. राइट राइट, थोड़ा वैसा वाला फीलिंग आती है. ऐसा कोई गोल्ड नहीं जाते, फीलिंग लेने में तो वैसे भी आप बहुत शेर हो, आप बहुत फीलिंग लेते हो, हमने सुना है. और फीलिंग लेनी भी चाहिए. थैंक यू. अगर फीलिंग मिल रही है तो क्यों ना लो फीलिंग. फीलिंग लेनी बहुत अच्छी फीलिंग होती है. इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस आई एम सेइंग कि अगर कमल जी कह रहे हैं कि लेनी चाहिए तो. Yes, and you are approached by so many actors, and you have worked with so many people.
we've been noticing that aap kafi sare actors repeat karte ho apni films mein, uska koi khas karan? Like you don't get to work with new actors or fresh faces, because there is a difference. Like if you are repeating an actor, it has a motive. If you are casting a new actor in every project, it also has a motive. So what is your motive behind this? It's nothing, aisi koi baat nahi hai. Mujhe lagta hai ki bahut sari films mein jo bhi humne बहुत सारी शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, बहुत सारे कैंपेन्स पे वर्क किए हैं थ्रू आउट द जर्नी, उसमें हमने बहुत सारे नए टैलेंट को ही हम लेके आए हैं, जिनको अगर आप देखेंगे कि 2 या 3 या 4 साल पहले नहीं इतने लार्ज स्केल पे विजिबल थे, आज टुडे दे आर फीचरिंग इन फिल्म्स दैट आर गोइंग टू फिल्म फेस्टिवल्स एंड फीचरिंग ऑन कैंपेन्स ऑन द इंटरनेट. तो वो टाइम बदला है, और बदलाव आने में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि एक टाइम लगता है एक डायरेक्टर को एक एक्टर पर ट्रस्ट करने में कि वो परफॉर्मेंस कैसे डिलीवरी कर पाएंगे और कितनी वर्सटैलिटी निकाल पाएंगे. और सेकेंडली एक्टर को भी इक्वलेंटली उतना ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करना पड़ता है एक मेकर के साथ में, एक यूनिट के साथ में, टीम के साथ में. तो जिन लोगों के साथ थोड़ा सा आपका कंफर्ट फैक्टर नेचुरली डेवलप होता है, तो यू एंड अप वर्किंग विद देम एंड इट कम्स आउट अनकॉन्शियसली. ऐसा नहीं, इट कम्स मोर नेचुरल, मोर नेचुरली. आई वुड से कि अब आज जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, और आज भी न्यू कमर्स को चांस मिलता है, जितने भी न्यू कमर्स देखते हैं बहुत लोग अप्रोच भी करते हैं, तो पहली बात तो उनकी इंटेंट पता लग जाती है कि कितनी सीरियस है. दे आर जस्ट एक्सप्लोरिंग और दे रियली वांट टू गो अहेड माइल्स यू नो इन डूइंग दैट. सो वी आल्सो फोकस ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स ऑफ कमिटमेंट, कि कौन कितना कमिटेड है उस काम के लिए, बिकॉज वो बनने हीरो आते हैं एंड देन यू नो मुझे उनका कमिटमेंट में वो चीज़ें नहीं नज़र आती. मुझे भी और बाकी भी और बहुत सारे फिल्म मेकर्स होंगे जो इस चीज़ को ज़रूर चेक करते होंगे, तो जहाँ वो आपको डिस्कवर कर जाएँ तो वहाँ पे वो चीज़ वर्क करती है. बिकॉज आई फील इफ यू आर एन एक्टर, तो अगर आप एक अच्छे इंसान भी हो, you know, besides an actor, that adds more flavor into the personality, because actor ko sudhara ja sakta hai, bande ko sudhara nahi ja sakta. If you like a person, like if he is punctual, agar aapne kisi ko 6 baje ka call time diya hai, wo 7:30 baje aa raha hai, so you have to wait for 1.5 hours, so maybe you will not cast the same person. Every aspect matters. Every aspect matters. I feel what matters most is the learning curve. Ki agar aap kitna apne aap को और बेटर एंड बेटर इम्प्रूव करते जाते हैं. Nobody is perfect in this world. So I think everybody has grown through this process and we are learning to accept people that right. imperfections basically. Right. Perfect तो कोई भी नहीं है. Right. So कोई I feel I give equal chances to everybody. I have been giving equal chances to everybody. It's how they are taking it now. It's all by God's grace now. We want to know one advice you want to give to the actors. Sir, one advice you would like to give to all the budding and the upcoming actors. I think learn first. Lot of people come to films, they don't have experience. So once they don't have experience, they are expecting a treatment. Nobody would invest money on you to make you learn first and then teach you acting, course, and then make films also work. Because when you have money writing, when you have stakes writing, so you are not willing to experiment much, but go with a success formula that has experimentation works to an extent, but nothing is a thorough experiment in itself. Secondly, be a good observer. I think lot of common sense must be there. कि अगर एक सीन में मग उठाया है तो उसको रखना भी है, और छोटी छोटी चीजें बेसिक नॉलेज दैट वी से. सो आई रिमेम्बर डूइंग अ सीन लास्ट इन वन ऑफ माय लास्ट फिल्म्स वेयर अ पर्सन वाज रनिंग behind my actor and saying bachao 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 and he didn't react. bacho. And he didn't react. So naturally on a road if somebody is running and there is a man with a knife running behind his back, so everybody would naturally just look stare and do a little common sense thing, this is a basic thing on how you react. So I think if you have learned to react, you have learned to observe things in a very common day language, so that is where you can grow. It helps you to grow. And there is a
a big myth amongst actors and maybe a lot of working professionals that I would like to bring forward. You know, ki if you are good in English, you will get the job. No. A lot of new actors, aspiring actors come to me. A lot of other technicians. As a director, I will talk most largely about technicians. You know, I think we are born and brought up in a country where every language holds an equal amount of respect. Exactly. And we are all uniting here to work. So English is not a barrier. आपको जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं आप उसमें काम कीजिए. एक कॉमन इंटरफेस जरूर बन जाता है. हम हर लैंग्वेजेस में काम करते हैं. आपने देखा है मराठी में भी करते हैं, हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं. सो ये वो बैरियर ना कंसिडर करें. हाँ, यू शुड हैव कॉमन सेंस, बेसिक ऑब्जर्वेशनल स्किल्स एंड अ लर्निंग कर्व, एंड आई थिंक दैट इज वॉट मैटर्स. डोंट वरी अबाउट अदर एस्पेक्ट्स, यू विल ग्रो अप द लैडर. राइट. How was the journey so far? Like from, I'll repeat my question. From home till no, not from studio. Home till the studio. From, traffic se bari. From I quit till your last project. Like I'm sure there would have been many hurdles, many problems, many things that would have stopped you from not letting you do what you actually want to do. How was the journey till date now? I think the journey is still on. I'm not even in the middle of the journey. I'm still, the middle point is also yet to be reached. It's been challenging and I feel challenging nahi hoti to hum grow nahi karte. Obviously agar wo pehli film wo dusri film hi aapko wo sara wo kaam de jayegi aur wo sari cheeze de jati hain to fir aap grow nahi kar pate. Matlab main nahi grow kar pata. तो मुझे लगता है कि जितने प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल भी हैं देयर आर लॉट मेनी प्रोजेक्ट्स विच हैव नॉट वर्कड आल्सो. सो व्हेन वंस अ प्रोजेक्ट हैज नॉट वर्कड, अ फिल्म हैज नॉट वर्कड, अ कैंपेन हैज नॉट वर्कड, और मे बी एन एड हैज नॉट वर्कड, समथिंग एनीथिंग वी डू इन टर्म्स ऑफ वीडियो कंटेंट दिस डेज हैज नॉट वर्कड, सो वी गो बैक, डू आवर होमवर्क, प्रेप ग्रामर अगेन, सेट अप आवर नेटवर्क्स अगेन, एंड देन वी कम बैक अगेन. सो इट्स अ कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग प्रोसेस. It's very instinctive. Matlab you cannot judge what will work and what will not work. And then there are a lot of factors, a lot of leeches in the world who would always, demean you. Right. They'll drag you. दो टाइप के लोग होते हैं जो कहते हैं कि ना करना है ना करने देना ना कर. एक तो वो तो होते हैं और वो भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि आप हाउ डू आई पुट इट इन वर्ड्स कि हाँ यार ये कर नहीं सकता, ये तो कर नहीं सकता. ठीक है, और जब आप कर जाते हो यार मुझे तो पता ही था कि ये कर लेगा. तो आप दूर से उनको जहाज से बाय बाय, दूर से कोई फर्क नहीं पड़ता. अब आई थिंक हम अपना काम करते हैं और अपने काइंड ऑफ लोगों से मिलते हैं जो हमसे मिलना चाहते हैं. दैट्स वन वर्ड फॉर द फिल्म industry. It could be bad, it could be good, it could one be average. Word? One word. Film industry. I think unite. Let not everybody be sitting at their own places and be in a state ki uska ye chal raha hai, iska ye chal raha hai. Unite. I think we are here just to do work and growth inclusive hoti hai, exclusive bhi hoti hai, har tarike se hoti hai. Unite kar. कैंप्स ना बनाएं, टीम्स ना बनाएं, ऐसी कि थोड़ा कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें. कभी भी कोई भी फंस सकता है, कभी भी कोई भी गिर सकता है, उठ सकता है. तो आई थिंक अगर एज एन इंडस्ट्री वर्ड अगर आपने यूज़ कर दिया है तो आई थिंक वो यूनिटी इंपॉर्टेंट बड़ा फैक्टर है. राइट. तो हमारी एक लाइट एक्चुअली गिर चुकी है, तो एज वी से इट्स अ नो स्पॉन्सर शो, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. वी विल गेट बैक टू यू वेरी सून. सो वी आर बैक. तो एक आ रहा है स्पॉन्सर, वो रस्ते में है तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा. सो वी विल कंटिन्यू विद द कन्वर्सेशन विद मिस्टर ओजस्वी. स्कूटर पे आ रहा है एक्चुअली, वो पहुंचने वाला है. थोड़ा स्कूटर उसका लिमिटेड टाइप है ना, तो भावनाओं को समझ जाओ बस आप. सो व्हाट इज द बेस्ट थिंग यू हैव हर्ड अबाउट यू एंड व्हाट इज द वर्स्ट थिंग यू हैव हर्ड अबाउट यू टिल डेट नाउ? बेस्ट थिंग आई हैव हर्ड अबाउट मी व्हिच इज वी है ना, मतलब फेथ. वर्स्ट थिंग अबाउट ओजस्वी है ना, पीपल आर सो मैनिपुलेटिव. वर्स्ट थिंग उनके लिए हो जाती है, मेरे लिए नहीं होती. मेरे लिए देयर इज नो वर्स्ट थिंग. व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू आर कुकिंग एंड यू आर लुकिंग इन योर प्रोजेक्ट्स? ओह अच्छा, कुकिंग.
मतलब खाना बहुत अच्छा बनाते हो, हमें पता चल गया हमारे जो रिसोर्सेज हैं कि ओजस्वी बहुत अच्छा खाना बनाता है. दो हमने कभी खाया नहीं है बट पता तो चल गया. ये आप ऑन स्क्रीन जितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं ना, मुझे लगता है कि अच्छा फिल्म मेकर होने जो होते हैं उन्हें अच्छा कुक भी होना चाहिए. वो एक्सपेरिमेंट्स जो कुकिंग में हो सकते हैं, मसाला डालना, स्पाइस बनाना, गार्निशिंग करना, तो वो थोड़ा सा एलिमेंट आ जाता है हाउ यू गार्निश और यू प्रेजेंट योर फिल्म. बहुत बार प्लेन सॉल्टेड भी पसंद आता है, तो खिचड़ी भी अच्छी बनती है और पास्ता भी अच्छा बनता है. तो सॉरी आई फॉरगॉट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन वाज व्हाट नेक्स्ट इज कुकिंग एंड व्हाट नेक्स्ट आर यू लुकिंग. अभी आई एम राइटिंग फिल्म्स एंड ऑब्वियसली प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ कंटेंट फॉर द चैनल एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ग्रोथ इन द ऑडियंस नाउ. लॉट ऑफ पीपल एक्सेप्टिंग अ काइंड ऑफ जॉनर एंड एवरी टाइम हर बार हम कुछ ना कुछ नया करते हैं तो लोग हमें पसंद कर लेते हैं. पता लगता है कि कुछ नया करते रहो और जुड़े रहो तो लोग पसंद कर लेंगे. तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दैट. कोई भी चीज़ करते हो, लाइक कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो या कोई भी प्रोजेक्ट फिनिश करते हो, यू डो नॉट हैव टू हैव अ सेकेंड थाट फॉर द ऑडियंस परस्पेक्टिव. अच्छा लगेगा, अच्छा लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता. सो आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाते कि ऑडियंस को अच्छा लगेगा ही लगेगा, इट माइट फेल. और कोई ऐसा प्रोजेक्ट विच यू डो नॉट वॉन्ट टू वर्क विच आर लेट्स जस्ट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट और इट माइट बूम इन द फ्रंट ऑफ द ऑडियंस. सो इट हैपन्स विद एवरी वन आई गेस. हाँ, अगर हम सोचने लग गए कि क्या चलेगा तो फिर हम बना भी नहीं पाएंगे. ठीक है, बिकॉज चलना ना चलना इट्स इन योर हाथ में है ही नहीं. हमने हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है. हमारे हाथ में वो है जो हम कर सकते हैं. अगर मैं कुछ सोच सकता हूँ, उसको लिख सकता हूँ, उसको बना सकता हूँ, उसके लिए एक टीम जुटा सकता हूँ और उसको बना के प्रस्तुत कर सकता हूँ, तो वो मेरे हाथ में है बस. अब फीडबैक लेके फिल्में बनाना, वो हाँ हो सकता है एक अच्छे टेलीविजन चैनल की पॉलिसी होती हो कि वो देखते हैं, स्टडी करते हो, लेकिन यार वो मेरी पॉलिसी नहीं है. हमारे जैसे लोगों की पॉलिसी शायद ना होती हो, या कुछ होगी, होती भी होती होगी, लेकिन मुझे लगता है वो चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं करती. जो चीज़ मुझे लगता है कि मेरे स्कूल ऑफ थॉट में फिट कर रही है या जो तरीके से मुझे समझ में आ रही है, जिसमें जिस चीज़ को मैं डायरेक्ट कर सकूँगा, वो चीज़ मैं बना पाऊँगा. ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें चली हैं, कुछ चीज़ें, बहुत चीज़ें नहीं भी चली, राइट. और वो जो चीज़ें नहीं चली हैं उनकी वजह से हम चले हैं, राइट. नहीं तो हम रुक जाते हैं. अच्छी बना के एक बना के रुक जाते हैं. जो नहीं चला उसकी कॉन्स्टेंट स्ट्राइविंग नहीं हमें आगे आगे बढ़ा. कॉन्स्टेंट लर्निंग from the projects that have not worked. मैं मेरे दोस्त हैं, उनसे फोन पे बात कर रहा था कल, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये जो कला है ना, ये आपको करने पे ही समझ आएगी, बातें करने में समझ नहीं आएगी. हाँ, बातें करने में तो आप बहुत बड़ी फिल्म बना लोगे, लेकिन एक्चुअली जब आप बनाने उतरते हो तब आपको हर्डल समझ में आते हैं. इसलिए आप कौन है, कौन नहीं है, कौन बातें बनाता है, कौन काम करता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट. यस, सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा क्वेश्चन, हाउ इज कमल टू, बहुत बड़ा मतलब इस कमरे से भी बड़ा, हाउ इज कमल टू यू. हाउ इज कमल टू मी. कमल इज वेरी ओवर प्रोटेक्टिव, कमल इज वेरी एडवोकेटिव, कमल इज वेरी 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 मच फोर्स फीडिंग इन टर्म्स ऑफ फूड. यू वुड डाई ऑफ ईटिंग रादर देन डाई ऑफ हंगर विद कमल. कमल इज वेरी टॉकेटिव. कमल विल कॉल मी अप एट द मिडल ऑफ द नाइट एंड टेल मी कि पाजी मेनू ए आईडिया आया है. एंड डू यू एक्चुअली वर्क ऑन द सेम आईडिया? यस, आई ऑनेस्टली एंड अप वर्किंग ऑन लाइक क्लोज टू, इफ ही गिव्स मी 10 आइडियाज, आई वुड रियली कंसीडर कमल हैज गिवन मी सम टू गुड आइडियाज. बट एटलीस्ट वो दो अच्छे आइडिया आने के लिए मुझे 8 दूसरे भी सुनने पड़ते हैं. तो कमल हैज बीन with me throughout the journey. So, शब्द नहीं मिल रहे आपको? नहीं, शब्द मुझे मिलने भी नहीं चाहिए. जिस दिन मिल गए उस दिन, मतलब कमल should be, you know, out of not words. In, मतलब ऐसे words नहीं होने चाहिए जो कमल प्रीत को define कर सकें. तारीफ होगी, बहुत होगी. Thank you जी. Any film that you regret कि यार ये picture क्यों कर ली, यार ये नहीं करनी चाहिए थी? फिल्म तो नहीं मुझे याद कि मुझे कोई रिग्रेट होगा जो मैंने कोई बनाई होगी, आई शुड रिग्रेट अबाउट इट. हाँ, एक सीरियल ज़रूर था, एक बार हमने शुरू किया था, आई वाज इन बॉम्बे, सो वी वर शूटिंग अ सीरियल. इट डिडंट वर्क आउट रियली वेल. इट देयर वाजंट जस्ट वन, देयर वर टू सीरियल्स एट दैट टाइम, ऑलमोस्ट वन आफ्टर दी अदर. दैट वाज अ टाइम, यू नो, आई रिग्रेट डूइंग देम. नाउ आई डू रिग्रेट. एट दैट टाइम तो इट वाज अ नीड, वी हैड टू वर्क. बट नन ऑफ द फिल्म्स, एवरी फिल्म हैज बीन अ ब्यूटीफुल बेबी. यू एंजॉय व्हाटएवर यू डू. या एब्सोल्युटली, चले ना चले, यू डोंट गिव अ शिट. इफ आई डोंट love or enjoy what I do, then I won't do it at all.
So, which is the most difficult project so far? You've done ample amount of projects. Music videos, films, commercials, short films, documentaries, television show. Like you have a gallery of projects in your bag, pocket, whatever we can say. So which was the most difficult projects that you feel ki yaar ye mushkil tha? You don't say the consequences, but karne mein aapko dikkat aayi. I feel every project came with its own share of challenges. Short film will have its own share of challenges. I remember the time we were shooting Zuban. And it was peak summers and we were shooting in the middle of a village and it shut down. And we were cycling all the way and we were shooting all the way. Our unit was running all the way and then we were shooting a murder sequence and then the cops came and you can't just say ki it was easy, it was we not were shooting easy. Gorilla. And then I remember filming the last date. We were shooting in the middle of the field. It was peak summers. And our protagonist Abhay, he got all tanned down and he would come up to me and say, "Oh, Jasvi ji, ab bahut garmi." And I said, "Keep rolling." Because wo emotion aa raha hai. But he was a daring sport and he did that. Then I would mention Roo, the last film we have done. It takes, you held up to your beard for the longest point of time for a short film. And I would go on record and say this, not many actors would, do this. I remember filming Lucky Kabutar. I was all drenched in fever. I remember that. You had to take back-to-back pills just to retain your energy. Eventually, I feel the film should work. Everything would only last temporarily, but now the film hammers it. Now the film has stayed for the longest time. And I remember filming Admitted, which is still running in festivals. My most difficult part was to convince everybody to come on board. Because it was a documentary and everybody had to come on board themselves and talk about what they feel about each one. And it goes no holds barred. So every project came with its own set of challenges. मुझे लगता है challenge ना DNA में ही आ गया है. तो बिना challenge के कुछ लेना ही नहीं है. आसानी से बन जाए ना. तो लगता नहीं कि अब कुछ हुआ है. आप तो ना challenge हो तो feel ही नहीं होता कि आपने कोई picture बनाई है. So sir, one advice, because this is the last question for today. One advice you would like to give to all the budding and new filmmakers who want to enter into this industry, who want to direct something or make new projects. वो क्या चीज़ है जो उनको बस ले आए? ये लास्ट क्वेश्चन है. अच्छा ठीक है. देखो सबसे पहले तो वो समा वैसा नहीं रहा है कि आपको एक सिटी से आपको मुंबई जाना पड़ेगा, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा. आप इंडिया के किसी भी रीजन में रह रहे हैं, आज आपके पास कैमराज अवेलेबल हैं, आज आपके पास इंटरनेट स्पेस अवेलेबल है, तो आप अपना काम कर सकते हैं आप बना के. और दूसरी चीज़ ये है कि कोलैबोरेट करने से कभी ना डरें. बहुत चीज़ें कोलैबोरेशन से आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है, कोलैबोरेशन से आपको अलग अलग एज ग्रुप का तजुर्बा मिल सकता है, आपको बहुत टाइप की वैरायटी ऑफ नॉलेज मिल सकती है. तो एक कोलैबोरेट करने से ना डरें कि हाँ हमने एक टीम के साथ काम कर लिया, फिर हम दूसरी के साथ नहीं कर सकते, हम किसी के साथ नहीं कर सकते. तीसरा, लोगों की ओपिनियन से बाउंड ना हो. लोग क्या कहते हैं से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको. अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है, इफ़ यू आर कन्विंस दैट दिस इज़ व्हाट आई कैन डू बिकॉज यू नो योर पल्स बेटर देन एनीबडी एल्स वुड डू, तो जो आप अच्छा काम कर सकते हैं. मैं अगर अच्छी कुल्फी बना सकता हूँ तो मैं अच्छी कुल्फी ही बनाऊँगा, मैं हलवा नहीं बनाऊँगा. हो सकता है मैं वो बनाऊँ तो मैं अच्छा ना बना पाऊँ. तो जो मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, अगर मैं उन पर काम करूँ तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा, फिर मैं एक डाइवर्सिफिकेशन प्रोसेस पर काम कर सकता हूँ. और बस यही है, एक अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके चले. बिकॉज लोग इतने ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं काम करने के पीछे कि बाकी ये फेसेट्स वो अवॉइड कर जाते हैं. हाँ, बट ये नहीं रियलाइज़ करते कि ज़िंदगी निकल गई आगे. तो अगर आप इन चीज़ों पे जुड़े रहें तो आई फील अगर आप अपना पैशन भी परस्यू कर सकते हैं और उसमें आप एक अच्छे फिल्म मेकर भी बन सकते हैं. और थोड़ा सेंसिबिलिटीज़ के साथ काम करें, कुछ भी मत बनाइए. हाँ, कुछ भी चलता है इस देश में, और कुछ नहीं भी हो वो भी चलता है, और बहुत कुछ भी चलता है. तो आई थिंक दैट विल बी इट. और मेरा भी मुझे मजा आ गया सर. व्हाट एन आंसर. वी लव योर आंसर. जाने का टाइम हो गया. वन सेकंड, जस्ट अ सेकंड. या हेलो, हैं
मिल गया, आया दो मिनट आया मैं। सर वी गॉट अ स्पॉन्सर, सो गाइस हमें स्पॉन्सर मिल गया, हमें इस एपिसोड को खत्म करना पड़ेगा। अगले शो में आपके पास बहुत जल्दी आते हैं एक नया स्पॉन्सर लेके। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मेरी पेमेंट लेते हैं ना। ओह थैंक यू।